ये चिंतावन गणपति जी अष्ट विनायकों में से एक है और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई थी और किनके द्वारा की गई थी और यहाँ पर आने से किस तरह से आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन के चिंतावन गणपति जी और देखिए ये भी इसका एंट्रेंस गेट है, काफ़ी अच्छा लगता है और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आप देखिए यहाँ का मज़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितना क्राउड है, यहाँ पर भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और देखिए मूषक राज दे रहे हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा मतलब क्राउड है। आप देखो मैं थोड़ा सा आगे कैमरा करता हूँ और वैसे यहाँ पर फ़ोटोज़ लेना और सेल्फी लेना मतलब सॉरी वीडियोज़ बनाना अलाउ नहीं है, बट फिर भी मैंने पंडित जी से पूछ के और पुलिस वालों से पूछ के थोड़ा सा कैप्चर कर पाया हूँ मैं, तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ और इतना तो नहीं बट हाँ ये है कि थोड़ा सा और मैंने वापस से कैप्चर किया है, तो अभी फ़िलहाल मैं ये देखिए भाई इतनी मेरी गुड लक थी कि मैं इतना दर्शन कर पाया हूँ और आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने भी यहाँ पर मन्नत का धागा बांधा है और मंदिर में पंडित जी के द्वारा पूजा करवाई है, तो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स आज हम लोग आए हुए हैं उज्जैन चिंतामन गणेश और ये चिंतामन गणपति जी अष्ट विनायकों में से एक है और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी स्थापना किस तरह से हुई थी और किनके द्वारा की गई थी और यहाँ पर आने से किस तरह से आपकी सारी जो इच्छाएँ हैं वो पूर्ण होती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है जब भगवान राम और सीता अब जब वनवास के लिए निकले थे 14 वर्ष के, तो उस समय जब वो उज्जैन नगरी से अवंतिका नगरी से जब यहाँ पर आए थे, यहाँ जंगलों में जब उन्होंने विश्राम किया था, तो वो भगवान से शिव भगवान से ये की प्रार्थना कर रहे थे कि हम वनवास के लिए निकले हैं तो हमारे जो वनवास है इसके रास्ते में किसी भी तरह की हमको परेशानी ना आए। तो भगवान शिव ने उनको बताया था कि आप विघ्नहर्ता विनायक की स्थापना करो, तो माता सीता को उन्होंने स्वप्न में ये चीज़ बताई थी, सीता माता के द्वारा विघ्नहर्ता अष्ट विनायकों में से चिंतामन गणेश की स्थापना की गई थी और जब वो 14 साल के वनवास के लिए गए थे तो उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई और जब भगवान राम लंका पे युद्ध के लिए जा रहे थे चढ़ाई, तब उन्होंने ही गणपति की मतलब एक हवन किया था, गणपति ने खुद उनको दर्शन देकर मतलब उनको एक वरदान दिया था कि आपका मतलब इस युद्ध में आपकी जीत होगी। जब वो लंका से जीत कर आए तो यहाँ पर वो कई दिन तक उन्होंने विश्राम किया था और इसी के साथ में वहाँ जो लक्ष्मण बावड़ी बनी हुई है, तो माता सीता को जब प्यास लगी थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल में उस समय कहीं पर भी पानी नहीं था, शिप्रा का जो तट था वो बहुत दूर था, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब एक बावड़ी खोदकर लक्ष्मण जी ने जल निकाला था, तो उन्होंने सीता मैया ने लक्ष्मण जी को वरदान दिया था कि आने वाले काल में ये आपके नाम से जानी जाएगी ऐसा। और 9वीं ईसा में मतलब इसका जो मंदिर का निर्माण है वो होलकर राज्य की जो खिलिया माता हैं उनके द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर जब आप कोई भी आपकी इच्छा लेकर आते हो तो यहाँ पर आप जब आओगे आपकी कोई भी इच्छा जब पूरी होती तो दूध दही चावल आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हो, उसी से आप अपनी इच्छा मांग सकते हो, जो भी आपकी मनोकामना है तो वो पूर्ण होती है। उल्टा सोचती की अपनी मान्यता है बट दूध दही चावल का जो महत्व है वो सीता माता के द्वारा बताया गया था कि कोई भी अपनी इच्छा लेकर आएगा तो वो उसके द्वारा पूर्ण होगी, जो गणपति जी ने उन्हें खुद बताया था। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी छोटी सी एक कहानी। ओके, और आज हम लोग सभी आए हैं और आई होप कि आपको इसके बारे में एक जानकारी मिली है और चलिए अब आगे। अभी मज़ा आया, कैसी लगी आपकी स्टोरी इसके बारे में? अच्छी थी। क्या आपको मालूम था पहले कभी इसके बारे में नहीं जानकारी है ना? तो फ्रेंड्स आगे और भी आएगी जानकारी बट अभी क्या आएगा मालूम है? लड्डू। तो फ्रेंड्स ये लड्डू मैं आपको
पार्सल जरूर कर सकता हूँ अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करोगे। नहीं नहीं नहीं, अगर ये अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको आपके घर आकर खुद देकर जाऊँगा। ऐसा होगा नहीं, तो चलो वेट करिए, अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं और अभी हनुमान जी का मंदिर आएगा, हम यहाँ पे दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मोटा देख रहे हैं, जय श्री राम। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं लक्ष्मण बावड़ी की तरफ में। जय श्री गणेश, विघ्नहर्ता श्री गणेश मंदिर जो कि साथ में ही जुड़ा हुआ है लक्ष्मण बावड़ी के। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है लक्ष्मण बावड़ी। तो लक्ष्मण जी के द्वारा मतलब माता सीता की बनाई गई थी। तो दोस्तों ये है लक्ष्मण बावड़ी जो कि लक्ष्मण जी के द्वारा बनाई गई थी माता सीता जी के लिए, और इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण बावड़ी रखा गया है जब माता सीता ने उनको वरदान दिया था कि आपके नाम से प्रख्यात होगी। बंद कर रखा है ना? हाँ मंदिर के अंदर में भी आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएगी फ्रेंड्स, और यहाँ पर चतुर्थी पूर्णम वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छा मेला लगता है। ठीक है सी, आप क्या देखोगे, क्या लेना चाहोगे, चलिए जहाँ पर मम्मी और ये सब खड़े हुए हैं तो अपन चलते हैं। ये देखो और देखिए गणपति बप्पा, कितने प्यारे लग रहे हैं राधे कृष्ण जी। तो गणपति बप्पा से हमने बहुत सारी डिमांड रखी है, तो फिलहाल में यार गणपति बप्पा जितना जल्दी सुन लेंगे ना उतनी जल्दी हमारा जल्दी बुलाएंगे गणेश जी, वैसे आना जल्दी होगा। तो जय श्री गणेश, बोलो जय श्री गणेश। तो चलो फिर चलते हैं अब अपनी गाड़ी की तरफ। हाँ बोलो सभी एक बार, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग मोरिया, अभी आधा लड्डू तो छोड़िया नहीं है, वो तो गणेश जी के टाइम पे। तो अभी हम लोग सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, घर की तरफ इंदौर। हमें ये ब्लॉग को हम करते हैं फाइनली आज फ्रेंड्स यहाँ पर एंड। आप लोगों को बजी है 12। ओके आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट कर बताइएगा, और राधे राधे जय श्री कृष्णा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो करना ही है। ओके तो मिलते हैं हम फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स। बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।